महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन चुके उद्धव ठाकरे अब कुर्सी जाने के बाद वापस खुद को हिंदुत्व का रक्षक और समर्थक के रूप में पेश करने लगे हैं। हालांकि उनके निशाने पर अब भी भाजपा ही है। उद्धव ने कहा, तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जब राजधर्म की बात की थी तो वे बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बचाया था। उद्धव ने दावा किया था कि यदि ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी इतनी दूर तक नहीं आ पाते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भले ही भाजपा से अलग हो गया मगर मैंने कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। उद्धव ने कहा कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है, उत्तर भारतीय जवाब चाहते हैं कि हिंदुत्व क्या है। एक दूसरे से नफरत करना हिंदुत्व नहीं। 25 से 30 वर्षों तक शिवसेना ने अपनी सियासी दोस्ती की रक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब हमारे बीच गर्म जोशी है। उद्धव ने कहा कि भाजपा को अकाली दल शिवसेना से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने मौजूदा पीएम को बचाया था, क्योंकि तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन करें। मगर बाला साहेब ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि यह वक्त की आवश्यकता है, यदि ऐसा नहीं होता तो वह यहां तक नहीं पहुंचते। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।